नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय चैनल में। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, उसमें से एक पेंशन बेचने का फायदा मिलता है और पेंशन बेचने के बाद एक साथ अच्छी खासी रकम मिलती है जिसे कम्यूटेशन या अंश राशिकरण कहा जाता है। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी पेंशन का 40% तक हिस्सा बेच के एक साथ अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कर्मचारी एक साल के अंदर पेंशन बेचता है तो उसे किसी मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक साल के बाद पेंशन बेचता है तो उसे मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। दोस्तों, पेंशन बेचने के कारण आपको एक साथ अच्छी खासी रकम तुरंत आपके अकाउंट में भेज दी जाती है, पर पेंशन बेचने के कारण आगे से आपकी हर महीने पेंशन कम आएगी, क्योंकि पेंशन बेचने के बाद आपका मूल वेतन कम हो जाएगा। पर इसका फायदा ये होगा कि कम्यूटेशन के रूप में आपको एक साथ 40% पैसा मिल जा रहा है। और दोस्तों, 15 साल के बाद आपको फिर से पेंशन बेचने के पहले जो आपका मूल वेतन था उसके हिसाब से पेंशन मिलने लगेगा। दोस्तों, जब भी डीए बढ़ेगा तो वो पेंशन बेचने के पहले जो आपका मूल वेतन था उस पर डीए बढ़ाया जाएगा। तो पेंशन बेचने के बाद आपको कितनी रकम कम्यूटेशन के रूप में मिलेगी और पेंशन बेचने के बाद आपकी कितनी पेंशन हर महीने मिलेगी, इस वीडियो में आगे हम यही देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंशनरों के काम की वीडियो इस चैनल पे देते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,500 है तो उसका आधा यानी हाफ 25,250 उसकी पेंशन होगी और उसके ऊपर जितना डीए होगा वो लग के पेंशन मिलता है। पर 40% पेंशन बेचने के बाद आपको कितना अमाउंट एक साथ कम्यूटेशन के रूप में मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है, मूल वेतन का हाफ मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेशन फैक्टर और डिवाइड बाय 100। अब आपकी जो मूल वेतन है उसका हाफ यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों, इस कर्मचारी का मूल वेतन 50,500 है तो इसका हाफ 25,250 होगा। इस प्रकार 25,250 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेशन फैक्टर। अब कम्यूटेशन फैक्टर कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए सरकार ने कम्यूटेशन फैक्टर डिसाइड किया है जो इस चार्ट में अवेलेबल है। दोस्तों, इस चार्ट में देखेंगे तो जिस उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं उसका कम्यूटेशन फैक्टर सरकार ने फिक्स किया है। तो इसको देखना कैसे है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, कम्यूटेशन फैक्टर आपके रिटायरमेंट की उम्र पे डिपेंड करता है। जिस वर्ष में आप रिटायर हो रहे हैं उसका अगला वर्ष कम्यूटेशन फैक्टर के रूप में कंसिडर किया जाता है। जैसे आप 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो उसके आगे वाला यानी 59 ये उम्र का जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो उसको कंसिडर करना है। अगर 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो 61 वर्ष का फैक्टर कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मैं 58 साल का जो इम्प्लॉई है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो 59 उम्र का जो फैक्टर है उसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो 59 उम्र में 8.37 कम्यूटेशन फैक्टर है, इसलिए 8.37 ए फैक्टर को यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब 25,250 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेशन फैक्टर यानी 8.371 डिवाइड बाय 100। तो इस प्रकार अब ये अमाउंट आया 10,14,565। तो इतना अमाउंट तुरंत एम्प्लॉय के खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, अब 40% पेंशन बेचने के बाद उस एम्प्लॉय की हर महीने पेंशन कितनी आएगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, 40% बेच दिया इसलिए उसके पास 60% बचा, इसलिए 25,250 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 अब जो अमाउंट आया वही उसकी पेंशन होगी। पर इसके ऊपर डीए भी कैलकुलेट होगा, तो डीए 17% होने वाला है, तो 17% के हिसाब से डीए हो जाएगा 4,292 रुपये। तो इस प्रकार टोटल 19,442 उसको हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी बेसिक लेनी है, आपकी बेसिक के हिसाब से अमाउंट थोड़ा ज़्यादा या कम आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।